नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। लाखों करोड़ लोग दुनिया में आते हैं, लेकिन कोई कोई मिसाल बन जाते हैं। समाज सेवा के शाब्दिक अर्थ को सार्थक कर दिखाया है नियामतपुर निवासी जाकिर हुसैन ने। श्री हुसैन ने वो कर दिखाया जो शायद किसी के लिए संभव ना हो। जाकिर हुसैन के इस सराहनीय, स्मरणीय और ऐतिहासिक कृत्य के लिए समाज उन्हें हमेशा सम्मान के साथ स्मरण करेगा। उल्टी विधानसभा के नियामतपुर निवासी जाकिर हुसैन व्यवसाय के साथ ही वर्षों से समाज सेवा में लिप्त रहे हैं। उनकी सक्रियता समाज के लोगों के प्रति हमेशा दिखती रही है। इसी क्रम में जाकिर हुसैन ने अपने पिता स्वर्गीय आशिक हुसैन के स्मरण में नियामतपुर एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना गत वर्ष 8 वर्ष पहले की थी। तो यूँ तो उनकी सेवा समाज के हर वक्त तक वर्षों से पहुँचती रही है, किंतु संस्था के माध्यम से उन्होंने समाज सेवा को और भी विस्तार दिया है। क्षेत्र के लोगों को पानी से लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीब लड़कियों की विवाह, जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता समेत हर जनमूलक कार्यों को जाकिर हुसैन अंजाम देते रहे हैं। इसी के तहत उनका एक और कृत्य जुड़ गया है, जो शायद नियामतपुर के लिए ऐतिहासिक कृत्य ही माना जाएगा। उल्लेखनीय है कि रविवार को सामाजिक संस्था नियामतपुर एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के कार्यालय भवन का उद्घाटन हुआ। इसके साथ ही भवन में निःशुल्क चिकित्सा, शिक्षा, लाइब्रेरी और महिला सशक्तिकरण के लिए निःशुल्क सिलाई सेंटर का उद्घाटन किया गया। नियामतपुर नूनगर स्थित ईदगाह में एक भव्य का उद्घाटन कार्यक्रम समारोह हुआ, जहां हजारों लोग एकत्रित हुए, दर्जनों हाजियों को सम्मानित किया गया, साथ ही सैकड़ों जरूरतमंदों को कंबल बांटे गए। इस दौरान जाकिर हुसैन ने संस्था में 5 लाख रुपए के अनुदान राशि का चेक भी सौंपा। इस संदर्भ में जाकिर हुसैन ने बताया कि संस्था के इस भवन में गरीब व जरूरतमंद लोगों को सभी सुविधा मुहैया कराने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 5 वर्षों से संस्था द्वारा एम्बुलेंस दिया गया है। इसके अलावा गरीब लड़कियों की शादी, बच्चों की शिक्षा, क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर संस्था हमेशा तत्पर रहती है। श्री हुसैन ने कहा कि इस कार्यालय भवन में डॉक्टर चेंबर भी बनाए गए हैं, जहां लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा भी उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा जो अभिभावक आर्थिक रूप से एकदम कमजोर हैं, उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। साथ ही महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए हुनरमंद बनाया जाएगा। यहाँ के जो नौजवान है, यहाँ का जो पढ़ा लिखा तबका है, जिन लोगों ने अपने इलाके की शान बढ़ाई है, खुद कामयाब हुए हैं, दूसरों की एक और ताली जरूर होनी चाहिए। कहा जाता है कि कुछ लोग अपने लिए जीते हैं, लेकिन कुछ लोग दूसरों के लिए जीते हैं। इसके बहुत बड़े एक बात और जाके नियामतपुर वेलफेयर फाउंडेशन प्रेसिडेंट, आज का जो प्रोग्राम हमने किया है, एक नई बिल्डिंग का उद्घाटन का, इतने उद्घाटन का समारोह था आज, जिसमें हमारे कलकत्ता से मैजिस्ट्रेट साहब आए हैं, उनके हाथों द्वारा ओपनिंग हुआ। इसमें इस इदारे में डॉक्टर का फैसिलिटी भी दिया गया है, लाइब्रेरी है, लेडीज केयर, टेलरिंग, सिलाई कढ़ाया, आर्ट्स एंड क्राफ्ट के लिए भी इंतजाम है। 9-10 बच्चों के लिए कोचिंग सेंटर है और कुछ हम कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बच्चों के लिए कीमती से कीमती किताब इस लाइब्रेरी में रखा गया है। लाइब्रेरी से कोई पॉलिटिकल इंसान भी जुड़ा हुआ है क्या, जो ये आप आज ओपनिंग समारोह जो हुआ है, तो इसमें कोई पॉलिटिकल लोग भी आए थे, मौजूद हुए थे खास? देखिए, ये इदारा है, इसमें किसी तरह का कोई पॉलिटिक्स हम लोग बर्दाश्त नहीं करें, चाहे हम हो चाहे कोई और हो। इस इदारे को हम लोग पॉलिटिकल से अलग रखते हैं, ये पॉलिटिकल सब एकदम अलग किनारे रखे हैं। और जो भी काम हम लोग करेंगे, चाहे जब भी हम इस बिल्डिंग में पैर रखेंगे, पॉलिटिक्स बाहर करके रखेंगे। इस इदारे में हम लोग सभी को लेकर चल रहे हैं, सबका साथ। नियामतपुर एजुकेशनल एंड वेलफेयर फाउंडेशन, ये क्या है और इसका स्थापना किस मकसद से है? ये स्थापना हम लोग 2015 में स्थापना किए थे। मेरा वालिद साहब के गुजरने के बाद 2012 में गुजर गए, उसके बाद से जो हमने सोशल एक्टिविटी स्थापित जो है जोरों से कर रहे थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक इदारा बना करके लोगों को सहूलियत पहुँचाया जाए, इसलिए हमने ये इतना बड़ा इदारा बनाया है। लोग इसमें कोई किसी तरह का कोई सियासत नहीं है,
इसमें हर कोई की तरफ से अब तक क्या क्या सोशल वर्क किया गया, समाज को क्या फायदा हुआ? आज 5 साल से हमने जो भी काम किया है, देखिए इलाका में पानी के बहुत दिक्कत है। जो हमने उस टाइम कॉरपोरेशन तो पाइप भी नहीं भेजा था, उस टाइम हम लोग 16,65,000 रुपये का पाइप का काम किया। कब्रस्तान में वजू खाना का दिक्कत था, 1,85,000 का हमने वहाँ वजू खाना बनाया। उसके बाद में जो बच्ची बच्चियाँ शादी के लिए हम लोग जो है अनऑफिशियली दे रहे थे, अब हम लोग उसको ऑफिशियली कर दिए कि आने वाले दिन में कोई भी गरीब बच्चा बच्ची का अगर शादी होगा उसे हम लोग 5,000 रुपये का आर्थिक मदद दें। ये अपना इस ऑफिस का जीरे थे, इसमें हम लोग को सिर्फ मेरा ही हुकूमत इसमें नहीं चलेगा, इसमें हमारे मेम्बरान हैं सभी का संस्था। इस संस्था में हमने शुरू में एम्बुलेंस भी दिया, लोगों का इलाके में काम बहुत जबरदस्त काम हो रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है। चाहिए जो बिल्डिंग बनाया है इसमें क्या क्या फैसिलिटी दिया जाएगा? इसमें हम लोग डॉक्टर का फैसिलिटीज है, लेडीज क्लिनिक का फैसिलिटी, निशुल्क रहेगा, बिना मूल्य, इसी तरह से कोई फीस नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा सोशल एक्टिविटीज जो इलाके में कुछ काम करना है तो इस माध्यम इदारे के जरिए हम काम करें। कोई बच्चा अगर पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते अगर उसका माँ बाप नहीं सक रहा पढ़ाने के लिए, वो हम लोग जानकारी में मिलेगा उसको हम लोग गोद ले लेंगे, यहाँ से उसका सारा खर्च उठाएंगे। संस्था का आगे का प्लान क्या है? इससे आगे का प्लान हम लोग का है, एक हाईवे में हमारा बहुत सारा जमीन है, 100 बेड का हॉस्पिटल तैयारी करने के लिए मेरा पूरा इरादा है, जो समाज को एक देना चाहिए। आपका नाम क्या हुआ? जाकिर हुसैन। जो एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी का ओपनिंग हुआ है तो इससे आसपास के लोगों को और स्टूडेंट को खासकर क्या सुविधा यहाँ मिल पा रही है? सुविधा यही मिल पाएगा कि यहाँ पे एक लाइब्रेरी का ये उद्घाटन हुआ है, जहाँ पे बच्चे लोग आकर अपनी पढ़ाई कर सकेंगे, ना कि सिर्फ 10-12 या ग्रेजुएशन, बल्कि फर्दर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स जो होते हैं जिसमें गवर्नमेंट सर्विस के लिए वो सब एग्ज़ाम्स दे करके वो लोग क्वालिफाई करके अच्छी नौकरी पा सकते हैं। आप लोगों का यहाँ पे भूमिका क्या है? हम लोग यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में है, बच्चों को गाइडेंस करने के लिए हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या हो? मोहम्मद इरफान अंसारी।